हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द टाइम्स जून में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। आज का जो टॉपिक हमारा वो आयु। दोस्तों, आयु में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप का एक क्वेश्चन कराएंगे, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमें आयु में देखने को मिलेंगे वो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखते हैं। सवाल देखिए, आपको नीचे स्क्रीन में सवाल दिखाई दे रहा होगा, तो चलते हैं। चार भाइयों की आयु का जोड़ क्या है, 56 वर्ष है। तो करेंगे इसे विद कंसेप्ट साथ, चार भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। चार भाई हैं, इनका योग कितना है, 56 वर्ष है। अब उसने आगे बोला है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। मतलब प्रत्येक की आयु में 4 वर्ष का अंतर है, तो बड़े भाई की आयु क्या है। तो चलिए चलते हैं, देखते क्वेश्चन। अब चारों भाइयों की आयु का योग कितना है, 4 वर्ष है, और प्रत्येक में 4 वर्ष का अंतर है, तो हमें करना क्या होगा, हमें छोटे भाई की आयु क्या मान लें, क्या मान लें, हम 0 मान लें, 0। अब प्रत्येक में 4 वर्ष का अंतर है, तो ये 0 कितना होगा, 4, और ये कितना होगा भाई, 8, और ये कितना होगा, 12। मतलब इतना उन पर ज़्यादा है। हाँ भाई, यहाँ देखो, 12, 8, 20, 20 और 4 कितने हो गए, 12, 8, 20, 20 और 24, मतलब 24 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। तो 24 वर्ष में घटा दो, 24 घटाओ कितने वर्ष, 2 और 3, 32 वर्ष। अब जो 32 वर्ष है वो क्या है, 32 वर्ष क्या है, चारों की आयु क्या होगी, बराबर होगी ना, होगी। क्या व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4 व्यक्ति हैं। जो 32 वर्ष आया घटाने के बाद, जितना भी एक्स्ट्रा होगा निकाल दिया हमने, और जो 32 वर्ष आया वो क्या करेंगे, उसे 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 भाई हैं, तो 4, 8, 32। एक व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 8 वर्ष होगी, तो 8 इसकी होगी। अब आप जोड़ दो, 8, 12 और 16, और कितनी हो गई हमारा, 20। अब देखो, यहाँ से आप तीनों भाइयों की आयु निकाल से बता सकते हैं, और इसमें पूछा कौन सा, बड़े भाई का है पहले नंबर का, तो बड़े भाई की आयु कितनी होगी, तो दोस्तों इसमें बड़े भाई की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन हमारा डी सही है, 20 वर्ष। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। मतलब पिता और प्लस पुत्र कितना, 46 वर्ष का है। पिता और पुत्र कितने का, 46 वर्ष का, दोनों की आयु को 46 वर्ष है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व। दोस्तों, पूर्व बोले तो पहले, और बाद बोले तो वर्तमान के बाद, पूर्व माइनस और बाद में क्या, प्लस। अब इसमें पूर्व बोला है तो हमने माइनस लगाया, अगर हम बाद बोलता तो प्लस लगाते। देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु का, आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी आई, ठीक है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 11 गुनी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में बड़े वाले की हमें ज़्यादा लें, ठीक है, इसकी 1 मान लो तो ये कितना, 11। अब ये इसकी 11 गुनी होगी ना, होगी 11 गुनी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब देखो ये क्या हमारा, ये वाला अनुपात है, अनुपात किसका है, ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है, और ये योग किसका है, वर्तमान का। तो इस योग को भी हमें पूर्व में 5 वर्ष पूर्व में ले आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 5 5 इसमें से घटाएंगे, तो 5 5 5 पिता के, 5 पुत्र के, कितने, 10 वर्ष, 10 वर्ष आयु का कर दो माइनस, कितना हो गया, 36। अब 11 और 1 12, 12 बराबर 36, और 12 तियाँ 1 और 12 तियाँ 36, 1 बराबर 3 आ गया। तो किसकी पूछिए, 5 वर्ष पुत्र की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद, तो अभी कितनी है, 3 वर्ष, मतलब 5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष है, तो वर्तमान कितनी होगी, 5 और जोड़ दो कितने, 8 की होगी। अब 5 वर्ष बाद बोला उसने, तो 5 और जोड़ दो कितना, 13 वर्ष का, पुत्र 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, 13 वर्ष का, ऑप्शन ए सही है। अगर वर्तमान पूछता तो कितने का, 8 का होता, और 5 वर्ष पूर्व पूछता तो 3 का होता। यहाँ से आप तीनों का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता
माता और के पुत्र भी हैं और पुत्री। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, पुत्री की आयु की 3 गुनी, पुत्री है क्या तो 3 गुनी है, 10 वर्ष पुत्री अब 10 वर्ष की है। दोस्तों पुत्री की आयु यदि पुत्री 10 वर्ष की है तो माता कितनी हो जाएगी, माता 30 की हो जाएगी, और पिता 5 वर्ष बड़ा है तो पिता कितने हो जाएगा, पिता 35 को हो जाएगा। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, पुत्री के जन्म के समय अभी पुत्री 10 साल की है और 10 साल पहले पिता कितने थे, पिता अभी हैं 35 वर्ष के और 10 साल पहले पिता कितने होंगे, तो 10 साल पहले पुत्री की आयु से माइनस कर दूं। और आप मौके भी बता सकते हैं पर लिख के मैं बता रहा हूँ आपको, कितना 25, जो पिता थे 25 वर्ष वो 10 साल पहले जब पुत्री पैदा हुई थी तो पिता कितने वर्ष के थे, 25 वर्ष के। देख ले तो आंसर है इसमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों मैं इसलिए आपको लगातार क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप कौन सा हमारा, पिता और पुत्र। क्वेश्चन हमारा अगला है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 है। पिता प्लस पुत्र योग कितना है, 56 है। 4 वर्ष बाद, प्लस के 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी मतलब पुत्र 1 तो पिता 3, ये 4 वर्ष क्या बोला, 4 वर्ष बाद बोला उसने, 4 वर्ष बाद। और जब पूर्व और बाद ना दे तो आयु किसकी होगी, वर्तमान की, तो योग किसका है, वर्तमान का, और ये क्या बाद की, तो हमें योग को बाद में लेना पड़ेगा। देखते हैं, 4 और 4 जोड़ दो, 4 और 4 जोड़ो उसमें, अब क्या हमें इसको वर्तमान में बाद में लेना है तो जोड़ेंगे, और पूर्व में लेना होता वर्तमान तो घटाते, कितना हो गया ये हमारा ना 64 और 4 बराबर 64 और 16 चौका 64, 1 बराबर 16 आ गया, 1 बराबर 16 क्या पूछा है इसमें, 15। तो उनकी आयु हुई है, लगा लो तो उनकी आयु, अब उनकी आयु हुई है तो आयु कैसे वर्तमान होगी, ध्यान निकालते हैं, 16 और 16 48। अब क्या है, ये 4 वर्ष बाद की है उनकी आयु, अगर लास्ट में उसने बाद और पहले ना दिया है तो आयु को सिर्फ पूछ रहा है, वो वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान की 4 घटा दो उसमें से, 12 वर्ष और 44, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले, मैंने अभी आपको बताया अगर पहले बोले तो माइनस और बाद में बोले तो प्लस, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में हो जाएगी, तो उनकी उम्र है, अब उनकी उम्र है मतलब वर्तमान बुझ रहा है भाई, ये वर्तमान अनुपात है और ये 8 वर्ष पहले का अनुपात है, तो क्या करेंगे, अब ऐसी कंडीशन में हमें अंतर देखना होगा, क्या अंतर बराबर है, 8 में से 5 के कितना हमारा 3 और यहाँ पर क्या बचा 13 में 7 बच्चा है, तो अंतर बराबर नहीं है, जब हमारा अंतर बराबर नहीं है तो हमें करना क्या होगा, इसमें कितना अंतर 2 अंतर, इसका अंतर कितना है 2 और 5, इसमें 5 का अंतर अपोजिट करना, इस वाले अंतर से इसमें गुणा करना और इस अंतर से इसमें गुणा करना है, कर दो बच्चा 25 और 7 = 35, 8 × 16 और 13 × 26, अब देखो घटा लो आप कितना बचा हमारा 9 बराबर कितना हमारा 18, 9 × 2 = 18, 1 बराबर कितना आ गया हमारा 9 बराबर 2 आ गया
तो करना क्या होगा, अब उसने वर्तमान की आयु बूझी है, तो वर्तमान की आयु ये है 25 दूनी 50 और 35 दूनी 70। उन दोनों व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु होगी 50 और 70 होगी। देख लेते हैं ऑप्शन 18, 50 और 70 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अंतर 3:1 है। अभी उसने वर्तमान बोला, अगर पहले रीना की आयु मीना की आयु का बीच का अंतर कितना है, 3:1 है। अब वर्तमान में ना बाद बोला ना पहले बोला, तो किसका अनुपात होगा ये वर्तमान का, हम वर्तमान का लिखेंगे ठीक है, बाद का पहले लिखते हैं। उसके बाद यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद प्लस के 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी रीना, ये रीना हमारा और ये क्या हमारा मीना, रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी हो जाएगी कितनी 1:1, ठीक है 2:1। अब देखें क्या अंतर बराबर है, भाई अंतर बराबर नहीं है, मैंने अभी आपको बताया जब अंतर बराबर ना हो तो इसका अंतर देखेंगे कितना अंतर है, 2 का अंतर है, और इसमें कितना अंतर है 1 का अंतर है। आप अंतर से अपोजिट गुणा कर देंगे, 3 ये वर्तमान का हमारा और 1 4 और 2 = 2। अब देखो 1 1 और कितना हमारा 10, 1 = 10 आ गया हमारा। अब किसका पूछा उसने, तो 5 वर्ष पहले आयु में अंतर होगा, 5 वर्ष पहले तो क्या निकालेंगे, पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे कितने हमारा हमारा 30 और 10, ये तो वर्तमान में है। अब 5 वर्ष पहले पूछ रहा है वो, तो क्या 5 वर्ष अभी घटा देंगे, ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 × 5 = 25, 5:1, 5:1 ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट आंसर है। देखते हैं दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक ना करें तो शेयर तो जरूर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। किरण संयोग और नम्रता ठीक है, की उम्र 93 वर्ष है, तीनों का योग कितना है भाई 93 वर्ष है, 93 वर्ष है, उनकी पूर्व 10 वर्ष पूर्व ये क्या वर्तमान का योग है ठीक है। अब उनका 10 वर्ष पूर्व, अब क्या 10 वर्ष पूर्व उनका अनुपात क्या हमारा 2:3:4 है ठीक है। अब हमारे योग किसका है, अब देखो योग देखेंगे, योग हमारा वर्तमान का, और ये अनुपात किसका 10 वर्ष पहले का, तो योग को भी हम 10 वर्ष पहले ले आएंगे ठीक है, जो हमारा अनुपात होगा उसको हम पहले ले आएंगे ठीक है। 2 और 3 5 5 4 कितना 9 बराबर। अब दोस्तों क्या होगा, 10 10 सभी की बड़ी ना बढ़ेगी 10 10, तो क्या करेंगे 10 10 10 इसके 10 इसके 10 इसके 10 इसके कितना होगा 30। अब 30 को क्या करेंगे, ये वर्तमान का हमारा, तो इससे हम जब 10 वर्ष पूर्व लेंगे क्या करेंगे 30 को इसमें से घटाएंगे कितना होगा 63, 9 7 1 = 7, 1 = 7 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ निकाल दो 1 = 7 क्या पूछा इसने, तो संयोग की वर्तमान आयु, संयोग 7 * 21 ये तो 10 वर्ष पहले थी, अब 10 वर्ष ये 10 वर्ष पहले की आ गई, अब वर्तमान पूछ रहा है तो क्या करेंगे 10 और ऐड कर दो कितना आ गया 31 वर्ष। देख लेते हैं 31 वर्ष अंतर है, ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, पिता और पुत्र को लिख लेंगे ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, तो 9 पुत्र 1 पिता 9। 5 वर्ष पहले पहले के लिए क्या लगाएंगे हम माइनस, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी
सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, दोबारा पढ़ते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है, पुत्र एक है तो पिता चार है। अब कह रहा है पाँच वर्ष पहले, जब पहले तो माइनस, पाँच वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की नौ गुनी हो जाएगी, पुत्र एक हो जाएगा तो पिता नौ का हो जाएगा। अब देख लो अनुपात बराबर है क्या, अनुपात बराबर नहीं है तो लगा दो अपना लॉजिक पुराना वाला, तीन और आठ आप कर लो बराबर, तीन वो सॉरी चार अट्ठे बत्तीस अनुपात आठ एकम आठ और तीन एम सत्ताईस और तीन एकम तीन। अब देख लो पाँच पाँच और पाँच बराबर होता ना पाँच, एक बराबर एक, ये बराबर क्या हमारा वर्तमान का, ये पाँच वर्ष पूर्व का। क्या पूछा देख लेते हैं, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु एक बराबर एक है और ये हमारा वर्तमान का अनुपात है तो पिता की कितनी होगी, एक बराबर एक है तो बत्तीस बराबर बत्तीस होगा, पिता बत्तीस होंगे और पुत्र कितने होगा, पुत्र आठ का होगा। तो इस क्वेश्चन में पिता की आयु पूछिए तो पिता की आयु कितनी होगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन बी में क्या है बत्तीस सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला टाइप होगा वो। दोस्तों जितने भी आयु में टाइप आते हैं हमने सभी कवर कराए हैं और बेसिक वाले क्वेश्चन रह गए दो तीन जो एक्स मान के होते हैं, उसकी वीडियो आप जल्दी लेकर आएंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में पाँच गुना बड़ा है, एक पिता और पुत्र लिख देंगे, एक पिता अपने पुत्र से पाँच गुना बड़ा है, पुत्र एक का है तो पिता कितने का होगा, पाँच का हो जाएगा। पंद्रह वर्ष बाद बोला है तो प्लस, पंद्रह वर्ष बाद जब बाद और पहले नहीं बोले तो अनुपात किसका होगा वर्तमान का और योग किसको होगा वर्तमान का। अब क्या बाद बोला है तो अपने पुत्र की आयु में आयु से दो सही दो बटे दो सही एक बटे दो गुना हो जाएगा और पुत्र पिता दो सही दो बटे दो हो जाएगा पुत्र एक का। अब क्या करेंगे इस सही वाले मान को हटाएंगे तो क्या करेंगे हम दो दूनी चार चार पाँच पाँच बटे दो। अब इस दो को ख़त्म करना है तो दो सौ गुणा यहाँ कर दो और दो सौ गुणा यहाँ कर दो क्योंकि अनुपात में बड़ा है, जब अनुपात में सेम संख्या गुणा करते हैं तो अनुपात में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, दो से दो कट गया तो पाँच और दो आ गए। अब हमारा अनुपात बन गया, यहाँ लिख देते हैं दोबारा पाँच अनुपात एक और पाँच अनुपात दो कर लो भाई, ये पंद्रह वर्ष पहले का ये वर्तमान का है तो वर्तमान पिता की वर्तमान आई भूजिए हाँ तो कोई बात नहीं निकाल लो, चार का अंतर क्योंकि अंतर बराबर नहीं है अंतर बराबर करना पड़ेगा और तीन का अंतर तीन पाँच पंद्रह और तीन एकम तीन चार पंजे बीस और चार दुनी आठ पाँच और पाँच पाँच बराबर कितना आ गया हमारा ये पंद्रह, अब पाँतियाँ पंद्रह एक बराबर तीन आ गया, अब एक बराबर तीन आ गया, ये अनुपात वर्तमान का और ये बाद का है तो आयु वर्तमान बुझिए तो पिता ये हैं पुत्र ये हैं तो तीन पंजे एक का मान तीन है पंद्रह का मान होगा पैंतालीस पंद्रह तीन पैंतालीस और तीन तीन नौ, पिता वर्तमान में कितने होगा पैंतालीस को होंगे और पुत्र कितने होगा नौ वर्ष का। देखते हैं पिता की वर्तमान आयु बुझिए तो पिता की वर्तमान आयु पैंतालीस वर्ष, ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। एक पिता ने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की बराबर थी, हाँ भाई ये सवाल देखेंगे बहुत ही मोस्ट ठीक है और बिना लॉजिक के नहीं होगा, देखेंगे सवाल क्या है हमारा, सवाल बड़ा है पर बहुत ही छोटा इसका आंसर होगा सॉल्यूशन होगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष हो तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो आइए चलते हैं करते हैं बी डिस्कशन को, पिता लिखेंगे और पुत्र, अब पुत्र नहीं पता पुत्र कितने का है, कुछ मान लो हम एक्स मान लें ठीक है पुत्र एक्स बराबर लगाओ दोनों को ठीक है क्योंकि दोनों की आयु बराबर बराबर मत चली ठीक है। अब ये कह रहा है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु 36 वर्ष थी 36 वर्ष, अब पुत्र कितने का है, अब इसे बराबर करना, बराबर करना तो क्या करना पड़ेगा भाई, पुत्र मान लो पाँच का है तो इसमें पाँच का घटना पड़ेगा घटना पड़ेगा, जब यहाँ पाँच घटना पड़ेगा तो क्या घटाएंगे यहाँ पर क्या है एक्स, एक्स को हम घटा दो। अब क्या है पितर और पुत्र क्या हो गए, जब पुत्र पैदा हुआ था तो पिता पुत्र कैसे हो गए बराबर हो गए, अब कितने हो गए 36 इधर ले आओ तो 2x हो जाएगा ये काट दो यहीं पे 18 बराबर x, x बराबर कितना आ गया 18 आ गया,
तो पुत्र की जो आयु कितनी है 18 वर्ष है, और पूजी किसकी है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले। अभी पुत्र कितने का है 18 का वर्तमान है, और 5 वर्ष पहले कितने होगा भाई, कोई व्यक्ति अभी 18 का अभी प्रेजेंट में, और 5 वर्ष कितने होगा, 5 वर्ष पहले, घटा दो 5 इसमें से कितने का 13 वर्ष का, तो 5 वर्ष पूर्व, हाँ भाई कितने होगा 13 का। तो ऑप्शन कौन सा सही इसका, ए इसका सही आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें वीडियो आप कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।